मॉर्निंग नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप? उम्मीद है मज़े में होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सबाहत अकबर और हाजिर हूँ आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है सितारों के अहवाल। गुफ्तगू रहेगी आपके सितारों के हवाले से, लेंगे आपके कॉल्स और मैसेजेस और कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए जो भी आपका सवाल है उस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर जिमोलॉजर अली तबसुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना आज, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कमाते हैं, अल्लाह ताला को खुश करते हैं, रोज़ा रख कर, इबादत करके, नवाफल अदा करके, नमाज पढ़कर, कुरान पाक की तिलावत करके, यकीनन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ अगर हम दूसरे लोगों का एहसास करें, नादारों का, गरीबों का, यतीमों का, मसाकीन का, उनकी हेल्प करके, उनकी ज़रूरतों को पूरी करके, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे, तो यकीन इससे अल्लाह ताला और ज़्यादा खुश होता है। बिल्कुल जी, स्टार्ट करेंगे हमारा शो इसी दुआ से कि तमाम सितारों की पोजीशन अच्छी हो और जानेंगे कि आज कौन है स्टार ऑफ द डे। जी दुआ होती है दिल की गहराइयों से कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों के कामों में आसानी पैदा करें और तमाम की स्टार की पोजीशन अच्छी हो। हम स्टार देखते हैं, एरिस से स्टार लेते हैं, जिसे मुरीक बुर्ज हमल कहते हैं, इनको जोडिक साइन मार्स, लग्नम इनका 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे। फर्स्ट एंड सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी एंड किस्मत का घर। इसके साथ साथ इनका 10th हाउस बहुत अच्छा बन रहे हैं। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एरीज के लिए। प्लान कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो एरीज, लियोस एंड सेक्रेटरीज, ये 3 फायर साइन पर्सनैलिटी एक दूसरे के अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित हो सकते हैं। एरीज का अगर हम 7th हाउस को देखते हैं तो इनका खुशियों का, चाहत का, कामयाबियों का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑफ दिस ईयर तक काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ये कामयाबियाँ समेट लेंगे, बल्कि कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे। रेड चीज़ों का सदका देना इनको नज़रें बस से बंदिश आ से सेफ रखेगा। सुर्ख याकूत इसके साथ छोटा सा ब्लैक हकीक पहना इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। द हाउस ऑफ फ्रेंड 11th हाउस भी इनका बहुत अच्छा बन रहा है, अच्छे दोस्त इनके काम आ सकते हैं, खासतौर पर लियोज एंड सेक्रेटरी से फ़ायदा लेना, इनसे एडवाइस लेना इनके लिए बहुत मुफीद और इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा। ठीक है जनाब, चलते हैं होरोस्कोप की जानिब और जानते हैं टोरियन की हाउस की पोजीशन, क्योंकि आज स्टार ऑफ द डे से ही स्टार्ट हुआ है जी होरोस्कोप का फर्स्ट साइन और स्टार ऑफ द डे भी, तो स्टार्ट करेंगे होरोस्कोप विद आवर सेकंड साइन जी। टॉरस आज समझोर अब सौर कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे। 7th हाउस बहुत अच्छा है टॉरियन का, इसके साथ साथ इनके 10th हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है। थोड़ा वेट करना होगा अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई ट्रैवल का इरादा है या कोई एजुकेशन के हवाले से प्लान कर रहे हैं, थोड़ा वेट करना होगा। सितंबर से इनका अच्छा टर्निंग पॉइंट मैं देख रहा हूँ। ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गौनर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, जेबुन्निसा बात कर रही हूँ पेशावर से जी। जेबुन्निसा क्या पूछना चाहेंगी आप? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं अपनी आंटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि मेरी आंटी काफी टाइम से ना बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ पढ़ने के लिए बता दें और ये बता दें कि उनके साथ स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, आप अपनी आंटी का नाम बताएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, वालदा का नाम बताएं। आंटी का नाम तायरा है और उनकी वालदा का नाम मरियम है। क्या नाम है उनकी वालदा का? मरियम। उनकी वालदा का नाम मरियम बीबी। ठीक है जी, मरियम बीबी, और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी आंटी की। डेट ऑफ बर्थ उनकी 8 अगस्त 1977 है। 8 अगस्त 1977। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। ताहिरा शीज लियो, शम्स बुर्ज असद कहते हैं, इनका जोडिक साइन सन, लकी नंबर इनका 1 एंड संडे इनका लकी डे है। अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, थोड़ा सा 6th हाउस डिस्टर्ब है लास्ट बार 3 to 5 मंथ से। नेचुरली तौर पे कुछ नहुसत के स्टार के असरात की वजह से कुछ थोड़ा सा बैड आइज प्रॉब्लम या कुछ ऐसा स्ट्रेस ले रही हैं, कुछ ऐसी विश कम्प्लीट ना होने की वजह से या कुछ ऐसे इनके काम जो कि अभी इनकम्प्लीट हैं जिसके लिए हार्ड वर्किंग स्ट्रगल करती रही हैं, मे बी पॉसिबली उन्होंने हेल्प भी ली होंगी कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने मे बी पॉसिबल इनको डिसहार्टेड किया हो। थोड़ा वेट करना होगा, जो भी इनकी पर्सनल कोई विश है वो कोई बिजनेस के हवाले से या कोई भी रूहानी सफ़र के हवाले से या कोई ट्रैवलिंग के हवाले से या कोई प्रपोजल के हवाले से, प्रपोजल मीन कि इनके हाथ से शायद मे बी पॉसिबल कोई प्रपोजल, कोई अच्छे रिलेशन कायम होने जा रहे हों तो उसमें कुछ डिले हो रहा हो, तो ये चीज़ें इनकी अच्छी बन रही है, लेकिन एंड ऑफ दिस ईयर तक 3rd से 4th क्वार्टर इसी साल का इनके लिए अच्छा साबित होगा। स्ट्रेस मत लें, अपने आप को खुश रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यासीन, सूरह रहमान की तिलावत करें। अपना बर्थ स्टोन वेयर कर सकती हैं येलो सफ़ायर, येलो कलर की, जो कि सदका देना इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। इंशाल्लाह
सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने हेल्थ के हवाले से इनके लिए अच्छे साबित होंगे, खुशियाँ कामयाबियाँ इनके करीब आएंगी। हम भी ये दुआ करते हैं कि आपकी आंटी जल्द से जल्द सत्याप हो, क्योंकि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो उसका दिल किसी भी चीज़ में नहीं लगता और वो अपनी प्रोडक्टिविटी जो लेवल है, चाहे वो घर में हो, कोई जॉब कर रही है, टोटल जो है वो उस चीज़ को कम कर देती है। लेकिन तो सेहत इस हिसाब से सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह से हमेशा सेहत मांगनी चाहिए। अब चलेंगे हॉरोस्कोप की जाने पर, जानेंगे एयर साइन पर्सनैलिटी जेमिनी के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। जी वेल, तारो जिसमें बुरजोजा कहते हैं, एयर साइन पर्सनैलिटी लक हाउस के साथ साथ इनका सेवन हाउस की पोजिशन अच्छी बन रही है। जो भी इस वक्त ये प्लान कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से या कोई किसी खास जगह से कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई खुशियों कामयाबियों के हवाले से, कोई जॉब के हवाले से या कोई प्रपोजल के हवाले से, तो सितंबर अक्टूबर के महीने इनके लिए अच्छे बन रहे हैं। ग्रीन चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ग्रीन एमरेट वेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कौसर सूर्य यासीन की तिलावत करना इनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। ठीक है जनाब, हमारे पास मैसेज भी है, ये कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका शो बहुत अच्छा है जी, थैंक यू सो मच। और ये कह रही हैं प्लीज़ मेरे हवाले मेरे फ्यूचर के बारे में और एजुकेशन के बारे में कुछ बता दें। इनका नाम है सोबिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1999। जी, और इनकी वालदा का नाम है हमना। क्या नाम है? हमना। ओके, सोबिया शी स्पाइसिस वाटर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर, जिसे मुश्तरी बुर्ज हूद कहते हैं। वेल, लक हाउस अगर हम देखते हैं इनका, तो पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2017 शख्सियत के वाले से इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलवा सकता है। शख्सियत इनकी बहुत काउंट होगी, इनके कामों में आसानी पैदा करने के हवाले से। इसके साथ साथ इनके थर्ड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तालीम के हवाले से जो भी इस वक्त उनकी कुछ विश है या कोई प्लान कर रही हैं, 101% वाटर साइन पर्सनैलिटी से इनको सपोर्ट मिल सकती है। कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो इनके काफ़ी काम आएंगे, इनसे एडवाइस लेना, इनसे बिजनेस पार्टनरशिप करना, इवन कि इनके अच्छे लाइफ पार्टनर भी साबित होंगे। 10th हाउस बहुत अच्छा है, तालीम के साथ साथ अगर कोई भी इंडोर या आउटडोर कोई बिजनेस करने के इरादा है, स्पेसिफिक सैलून का, गारमेंट्स का, क्लॉथ का, ये फील्ड आपके लिए अच्छी साबित होंगी। सफ़ेद चीज़ का सदका देना आपको नज़र बस से बंदिश आ से सेफ रखेगा। लेपिस या फिर कॉरल जिसे हम मरजान कहते हैं, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा। ठीक है जनाब, अब जानेंगे रोशन सितारा जिसका मैंने नाम रख दिया कैंसेरियन का, इनको टाइटल ही दे दिया है जी, बड़े ब्राइट स्टार होते हैं, कि आज का उनका दिन कितना ब्राइट गुजरेगा और कौन से हाउसेज उनके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक। जी वाटर साइन पर्सनैलिटी कैंसेरियन जिसे हम कमर बुज सरतान कहते हैं, इनका रूलिंग प्लानट मून लकी नंबर का 2 एंड मंडे, इनका लकी डे है। थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, 9th, 10th, and 11th हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जब 4 हाउस स्ट्रॉन्ग हो तो इट्स मीन्स कि वो पर्सनैलिटी बहुत खुशकिस्मत कहलाती है, और यकीनन कैंसेरियन के लिए 2017 अच्छा साबित होगा। बेस्ट टाइम कैंसेरियन का सितंबर से दिसंबर के दरमियान होगा। इस टाइमिंग अगर में अगर ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो यकीनन इनको 101% कामयाबी मिलेगी। स्ट्रेस मत लें, खुश रहें, दूसरों को ऑनर दें, रिस्पेक्ट दें, और ज़्यादा इनके कामों में आसानी पैदा होगी। सफ़ेद चीज़ों का सदका देना इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। मून स्टोन या फिर पर दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करने इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। सेकंड हाउस इनका बहुत ज़बरदस्त इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, किस्मत इनकी माशाल्लाह आगे और ज़्यादा इनको कामयाबियों की तरफ लेकर जा रही है। सूर्य वल कमर एंड सूर्य वल शम्स की तिलावत करने इनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। ठीक है जनाब, एक और मैसेज देंगे हम, इनका नाम है फहद अली, इनकी वालदा का नाम है जैनब, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25th of April 1989। और ये कह मेरे लिए कौन सा बिजनेस बेहतर रहेगा, जॉब करूं वही ठीक है, और मेरा लकी स्टोन भी बता दें जी। फहद हिस्टोरी बुज सौर से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई, अर्थ साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं फहद। और अगर इनके जायचे की पोजीशन हम देखते हैं तो इनका 7th and 10th हाउस बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। आगे 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इसमें कोई आपको बड़े माशाल्लाह प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कोई बड़ी डील कर सकते हैं या कोई अच्छे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। खासतौर पर वर्गो एंड कैप्रिकॉन से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 6th हाउस वक्ती तौर पे थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकता है, मे बी पॉसिबल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने से, स्ट्रेस लेने से, डिप्रेशन में जाने से। ग्रीन चीज़ का सदका देना आपको बहुत ही आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ग्रीन एमरल्ड या फिर ओनेक्स पहनना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अब अगर किसी का अच्छा टाइम है तब भी आप सदकात बताते हैं, और किसी का बुरा टाइम है तब भी वही कलर निकलता है, तो इसकी क्या लॉजिक है? सबसे अच्छा टाइम ये होता है कि जब आप खुशहाली में हो, और फिर आप फिर उस वक्त आप सदका दे रहे हो। परेशानी में, डिप्रेशन में और गम में, तंगदस्ती में, तो हर आदमी अल्लाह को याद करता है और सदका ज़कात देता है। तो आदमी को खुशहाली में जब आप माशाल्लाह एक अल्लाह ताला आपको नवाज रहा हो, तो आप उस वक्त जब आप दे रहे होते हैं तो यकीनन वो
چیز وہ آپ کی ادا اور وہ اس وقت آپ کا مال دینا اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کنجوسی نہیں دکھا رہے ہوتے یا آپ اس میں ایک تنگ دل نہیں ہوتے اور یقیناً آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نواز رہے اور آپ پھر صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کے مال میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو آپ خوش جو ہے یا پھر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ صرف اور صرف یہ پیسے کے ذریعے یا مٹیریلس کے ذریعے نہیں لا سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جی صرف اور صرف یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ سب چیزیں کر رہے ہیں جی, خیرات, زکوٰۃ, صدقات, تمام چیزیں, لیکن ان کا بیہیویئر جو انسان ذات کے ساتھ ہے وہ بڑا ہی برا ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ آپ کی وہ تمام نیکیاں جو ہے وہ قبول فرمائیں گے؟ نہیں, سب سے اولین چیز ہے کہ آپ جہاں آپ کی جو بھی سراؤنڈنگ ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھے طرح سے بیہیو کریں. اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ویل بیہیوڈ ہو کے یا ویل مینرڈ ہو کے اپنی ورک پلیس پہ, پڑھ رہے ہیں تو اسکولز میں, کچھ بھی جہاں, تو وہاں آپ انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کم لوگ ہیں تو ہم انہیں ایسے ٹریٹ حقیر طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ پورا ایک سوشل سسٹم ہے. اگر آپ کے ارد گرد آپ کے آفیسز میں جینیٹوریل اسٹاف نہ ہو تو تمام چیزیں گندی پڑی رہیں. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہمارے پاس کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حاجی عطا حسین بات کر رہا ہوں میں بہاولپور سے. حاجی عطا حسین بات کر رہے ہیں بہاولپور سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا جنرل اسٹور ہے, اس میں کاروبار میرا چل نہیں رہا بہت عرصے سے, اس میں نقصان بے نقصان ہو رہا ہے. صحیح. تو اسی سلسلے میں کچھ وظائف پوچھنا چاہ رہا ہوں یا نگینہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جس سے میرے کاروبار میں برکت ہو. ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. ہمیرا بی بی. ٹھیک ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ 15 اکتوبر 1973. ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ہاں جی, عطا حسین بہت ہی پیارا نام ہے عطا حسین بھائی آپ کا, اور آپ کا اسٹار بھی بہت ہی زبردست ہے. یو بلانگس ٹو اے لیبرا جس سے ہم زہرہ برج میزان کہتے ہیں. آپ کا زوڈیک سائن وینس, لکی نمبر آپ کا 6 اینڈ فرائیڈے آپ کا لکی ڈے ہے. 10th ہاؤس وقتی طور پہ اس وقت تھوڑا سا آپ کا ڈسٹرب ہے, دا ہاؤس آف بزنس, جس کاروبار میں بھی آپ ماشاء اللہ اس میں جس رن کر رہے ہیں, جس کو بھی آپ ماشاء اللہ جس فیلڈ میں بھی آپ اسی میں آپ کو آگے کامیابی ملے گی. تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا, اکتوبر نومبر دسمبر تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. اکتوبر کے بعد کی ٹائمنگ آپ کے لیے انتہائی مبارک بن رہی ہے, اس میں آپ کو اچھی اپرچونیٹیز مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو 100% اس میں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی. اوپر آپ کا برسٹ ہونا, سفید چیزوں کا صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا. جب فائنینشیل طور پہ جو لوگ ویک ہوتے ہیں یا رسک میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی ہے اور وہ ہارڈ ورکنگ کر رہے ہو, تو اس وقت زیادہ سے زیادہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ان کے لیے بہت مفید اور باعث برکت ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اوپل کی جنرل پراپرٹیز کیا ہے یا اگر کسی کو وہ سوٹ نہ کرے تو کون کون سے ڈیمیجز دے سکتا ہے؟ نہیں, خیر بہت ٹھنڈا اسٹون ہوتا ہے, کول ڈاؤن رکھتا ہے, فریش رکھتا ہے, اور لبرا کا خاص طور پر یہ اسٹون ہے. سائڈ افیکٹ آپ اس وقت آپ کو ہوتے جب آپ کا یہ برڈ اسٹون نہیں ہوتا, جب آپ اپنی مرضی سے اوپل پہن لیتے ہیں یا نیلم پہن لیتے ہیں یا روبی پہن لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب آپ کا وہ برڈ اسٹون نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنی مرضی سے آپ نے وہ ایک زیادہ کوانٹٹی میں پہنا ہوگا تو پھر اس کے سائڈ افیکٹ آپ کو فیس کرنے ہوں گے. تو اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے فیروزہ کے تو کافی, کیونکہ وہ اسٹونز میں آپ بتاتے ہیں کہ ان کی جو کیمیکل سائڈ افیکٹس مینس آپ کو گھبراہٹ, بے چینی, فزیکلی طور پہ ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور آپ کے مزاج میں آپ کے جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ سڈن بیہیویئر میں چینج آ جاتا ہے, تو انسان کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آ جاتا ہے. اسٹون جب آپ کا برتھ اسٹون نہ ہو تو اس سے بھی آپ کے مزاج میں چینجنگ آ جاتی ہے. اور مجھے پتا ہے کسی کا کہ ان کا سیگیٹیریس اسٹار تھا, ان کا جو ہے وہ فیروزہ ہی بنتا ہے آپ کو پتا ہے, تو لیکن انہوں نے بالکل سوٹ نہیں کیا, انہوں نے پھر اتار دیا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا برتھ اسٹون ہو لیکن وہ آپ کو کسی وجہ سے سوٹ نہ کرے. ڈیفینیٹ اس میں پھر کریکس ہو سکتے ہیں, اسپاٹس ہو سکتے ہیں, اور پھر اس میں کوئی وہ ڈیڈ اسٹون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب چلیں گے ہوروسکوپ کی جانے پر, جانے کے لیے جو کہ فائر سائن پرسنالٹی کے آج کا ان کا دن کیسا گزرے گا. جی لیوز جسے ہم شمس برج اسد کہتے ہیں, ان کا زوڈک سائن سن, ویل لک ہاؤس ان کا اچھا ہے, تھرڈ ہاؤس کی پوزیشن بہت زبردست ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیونتھ ہاؤس بھی اچھا بن رہا ہے, ایجوکیشن کا ہاؤس, قسمت کا, محبت کا, چاہت کا, یہ ہاؤسز ان کے بہت اسٹرانگ ہیں. کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ سال بہت مبارک ثابت ہوگا, خوشیوں کو, کامیابیوں کو بہت قریب انشاءاللہ پائیں گے. ریڈ چیزوں کا صدقہ دینا ان کے لیے بہت مبارک رہے گا. سورہ و شمس کی تلاوت کرنا ان کو ہر قسم کی نظر بد سے, بندش آ سے سیف رکھیں گی. اپنا برتھ اسٹون ویئر کر سکتے ہیں یلو سفائر. ٹھیک ہے جی, اور آپ یہ بتائیں کہ اگر کریک اسٹون ہے, اگر مجھے نہیں پتا اسٹونس کے بارے میں کیونکہ آپ تو اسٹون ایکسپرٹ ہیں, تو مجھے کیسا پتا چلے گا کہ جی وہ کریک اسٹون ہے یا ڈیڈ اسٹون ہے؟
एग्जैक्टली ये तो आपको एक स्टोन एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि बाज इतने बारीक क्रैक्स होते हैं कि वो इंसानी नज़र नहीं देख सकती, और एक डेड स्टोन को भी एक आम आदमी नहीं जज कर सकता कि डेड स्टोन है और उसमें कितने स्पॉट्स हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर है या नहीं। तो डेफिनेटली ये तो एक स्टोन एक्सपर्ट ही आपको बता सकते हैं। और अगर डेड स्टोन है तो वो कितने अरसे में डेड होगा, और मतलब उसको क्या आया ये कोई तरीका है कि वो दोबारा से रिलाइव हो या कुछ भी हो, या वो फिर डेड हो गया तो फिर बस डिस्कार्ड ही करें आप उस चीज़ को? हर स्टोन सडन डेड हो सकते हैं जब आप कोई भी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जब आप के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ जाएं, जब आप उसके ऊपर डायरेक्ट कोई भी गंदी चीज़ लग रही हो, कोई गलाजर लगा रहे हो, या फिर आपकी कोई एक्टिविटीज़ इस तरह की हो जो उसकी स्पिरिचुअल पावर ऐसा ऐसा वो स्टोन की ख़त्म कर रही हो, तो यकीन फिर वो सडन डेड स्टोन बन जाता है, फिर वो आपका बर्थ स्टोन नहीं रहता, यकीन फिर वो आपको फिजिकली तौर पे फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता है, उसका फिर पहनना ना पहनना एक बराबर होता है। ठीक है जनाब, हमारे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें सितारों के अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन, आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस, और गुफ्तगू रहेगी आपके सितारों के हवाले से। अब जानते हैं हम अर्थ साइन पर्सनालिटी वर्गों के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। जी वर्गोस अतारो जिसे हम बोझ सुमला कहते हैं, इनका जोडिक साइन मर्करी, लेकिन इनका 5 एंड वेनसडे इनका लकी डे है। अगर हम वर्गोस की पोजिशन देखते हैं इनके स्टार की, फर्स्ट सेकेंड एंड का 11th हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, किस्मत का घर एंड फ्रेंड्स का। 2017 इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साल साबित होंगे ये दोनों साल, 2017 एंड 2018। बिजनेस के हवाले से अच्छे दोस्त इनको फॉर द लॉन्ग टाइम सपोर्ट करेंगे, इसमें खास तौर पर टॉरिन एंड कैप्रिकॉन से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठा पाएंगे। 7th हाउस इनका अच्छा बन रहा है, पर्सनल विश पूरी हो रही है एंड ऑफ दिस ईयर तक, अक्टूबर से दिसंबर की टाइमिंग इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगी। 3rd हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, एजुकेशन के हवाले से जो भी प्लान कर रहे हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तालीम के साथ साथ अगर कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो टॉरिन एंड कैप्रिकॉन से बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनका जैसे अभी मैंने बताया कि 11th हाउस बहुत अच्छा है, सडन कोई फ्रेंड इनको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकता है, यकीनन कुछ अच्छे ऐसे इनके सिंसियर फ्रेंड साबित होंगे जो इनको कामयाबी की तरफ लेकर जाने में हेल्प कर सकते हैं, और यकीनन ये इसी साल बल्कि 2018 के मिड तक बड़ी तेज़ी से ज़्यादा ज़्यादा कामयाबियों को हासिल करते रहेंगे। येलो कलर की युग सदका देने के लिए इंतहाई मुबारक रहेगा, येलो टोपास या फिर येलो सफायर दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर कर सकते हैं। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य वल असर, सूर्य कुरेश, सूर्य फील एंड सूर्य फलक की तिलावत करना वर्गोस के लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ठीक है जनाब, चलेंगे और जानेंगे लाइब्रेरियन जो कि अपने बैलेंस के हवाले से बड़े मशहूर हैं, तो उनका दिन आज कैसा गुजरेगा? जी लिब्रेरियन साइन पर्सनैलिटी सेमजोरा बुज मिजान कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लग्न इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे है। वेल 7th हाउस बहुत ही ज़बरदस्त है, 7th हाउस के साथ साथ 10th हाउस बहुत पास में जो भी इन्होंने हार्डवर्किंग की है, पास से मीन 2017 के फर्स्ट मंथ से जो भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी अपने कैरियर को ब्राइट करने के वाले से, ट्रैवलिंग के वाले से, रूहानी सफ़र के वाले से, अच्छे रिलेशन कायम करने के वाले से, दोस्तों को सपोर्ट करने के वाले से 101% उसमें ग्रेजुअली कामयाबी हासिल कर रहे हैं। एडवाइस लेने के लिए बहुत मुफीद साबित होगा, खास तौर पर कैप्रिकॉन एंड इक्वेरीज इनके अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे। अर्थ साइन एंड एयर साइन पर्सनैलिटी से एडवाइस लेकर चलना इनके अपने कामों में और ज़्यादा आसानी पैदा कर सकते हैं। 7th हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे प्रपोजल, खुशियाँ, कामयाबियाँ इनको मिल रही हैं, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी खास जगह से, कोई खुशी का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली दूसरी तरफ से इनको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ओपल इनका बर्थ स्टोन है या फिर पर्ल, दोनों में से कोई भी स्टोन वेयर करना इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। वाइट चीज़ों का सदका देना इनको नजरें बस से बंदिश से सेफ रखेगा। सूर्य रहमान, सूर्य मुजम्मिल एंड सूर्य वाक्या की तिलावत करना रिस्क के हवाले से, सेहत के हवाले से इनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। ठीक है जनाब, कॉलर है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद अहमद साहब बात कर रहे हैं कराची से, जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं अली भाई से अपने बारे में पूछना चाह रहा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1st October 1987। आपकी वालदा का नाम? शमीम अख्तर। शमीम अख्तर जी, अपने हवाले से क्या? मैंने ये पूछना था कि मैंने कारोबारी एडवाइज से किसी को पैसे दिए थे ना, ठीक है, ठीक है, 2-3 साल का अर्से पहले, लेकिन वो उसका मुझे बेनिफिट तो मिलता रहा 6 महीने तक,
लेकिन अब तकरीबन दो साल ऐसे गुजरे हैं पिछले कि वो मेरे पैसे तो जो मैंने दिए थे वो भी नहीं मिल रहे और जो उसका प्रॉफिट था वो भी नहीं हो रहा। तो मैं अली भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे जायचा निकाल के बताएं कि जिनको मैंने पैसे दिए थे क्या वो उनका देने का है इरादा या वो नहीं देना चाह रहे। आप उनका नाम बताना चाहेंगे? उनका नाम है अख्तर जान। अख्तर जान उनका नाम है। उनकी वालदा का नाम? उनकी वालदा का नाम है मेहरून निशा। मेहरून निशा। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लेकिन ये दोनों चीजें पता है और ये मेरे कजन भी हैं। तो दो साल हो गए लेकिन ये बिल्कुल भी उस चीज पे राजी नहीं हो रहे। आजकल 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 करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद अहमद, माय डियर ब्रदर, यू बिलोंग टू लिब्रा, आज से मजोरा बोझ में जान कहते हैं। आपका जोडिक साइन वीनस, लेकिन नंबर आपका 6th एंड फ्राइडे आपका लकी डे है। प्लेनेटरी पोजीशन आपकी अच्छी है, लक हाउस आपका अच्छा है। जो भी आपने किसी को लोन दिया हुआ है या जो भी किसी को कर्ज दिया हुआ है या कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई भी आपने प्रॉफिट पे कोई पैसे दिए हुए तो आपके रिटर्न हो जाएंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर तक आपको वेट करना होगा। अक्टूबर से दिसंबर की टाइमिंग आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी होगी। इसमें आपको बड़े माशाल्लाह अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। बिज़नेस के हवाले से प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना, क्लॉथ का, गारमेंट्स का, फूड का, ये बिज़नेस आपको आगे काफ़ी आपके लिए प्रॉफिटेबल बिज़नेस साबित होंगे। कुछ अच्छे दोस्तों के साथ अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जेमिनी एंड एक्वेरियस से आप बिज़नेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। एंड ऑफ दिस ईयर तक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स मीन्स के बिज़नेस के हवाले से या जो भी आपने लोन वगैरह दिया हुआ है तो ये भी आपको इंशाल्लाह रिटर्न हो जाएगा। ओपल आपका बर्स्टोन है, सफ़ेद चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य रहमान एंड सूर्य वाक़िया की अगर आप तिलावत करते हैं तो आपके और अल्लाह ताला की तरफ से कामों में आसानी पैदा होगी। ठीक है जनाब, हमारे पास मैसेज है, ये कह रही हैं, हाय आई एम निम्रा फ्रॉम लाहौर। जी हेलो, हाउ आर यू? और ये कह रही है मुझे अपनी शादी के हवाले से जानना है कब तक हो जाएगी। इनका नाम तो निम्रा है और इनकी वालदा का नाम शबाना। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5th of May 1995। जी निम्रा, शी स्टोरी बुजसौर से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। वेल, 7th हाउस बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छे आपके प्रपोज़ल आ रहे हैं। एंड ऑफ दिस ईयर तक दिसंबर से 2018 का फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। दिसंबर या फिर 27 फेब तक एक्सपेक्टेड है कि आपकी एंगेजमेंट बातचीत निस्बत तय हो सकती है। वो साइन जो आपके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं उसमें वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये पर्सनैलिटीज़ आपके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगी। इनसे बिजनेस पार्टनरशिप करना, इनसे एडवाइस लेना भी आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपने बर्थ स्टोन के साथ ग्रीन एमरल्ड के साथ अगर आप छोटा सा रूबी भी पहन लेती हैं तो आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य निसा एंड सूर्य यूसुफ की अगर आप मेरी बहन तिलावत करती हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे प्रपोजल और आपके कामों में आसानी पैदा होगी। जिन जिन लड़कियों को रिश्ते का मसला है तो उनके लिए कुरान पाक में कौन सी सूरा है, जैसे आप बताते हैं औलाद के हवाले से सूरह मरियम रिसाइट करनी चाहिए? सूरह यूसुफ की स्पेसिफिक अगर वो मेरे बहन भाई तिलावत करते हैं जिनको कोई प्रपोजल प्रॉब्लम होते हैं तो अच्छे प्रपोजल लेके आने में हेल्प करती है। इसकी बरकत से अच्छे प्रपोजल आते हैं। ठीक है जनाब, चलेंगे हॉरोस्कोप की जाने पर, जानेंगे स्कॉर्पियंस वाटर साइन पर्सनालिटी के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। जी वाटर साइन पर्सनालिटी स्कॉर्पियन से मुरीख बुर्ज अक्रब कहते हैं। इनका जोडिक साइन मार्स, लग्न इनका 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे है। वेल, 7th हाउस अच्छा बन रहे हैं और जो उनकी कोई पर्सनल विश पूरी नहीं होने जा रही तो थोड़ा वेट करना होगा सितंबर तक। सितंबर के बाद 7th हाउस आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। 10th हाउस अलबत्ता बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, प्रॉपर्टी का या कोई फूड का, क्लॉथ का, वुड का, फर्नीचर का, ये फील्ड आपके लिए अच्छी साबित होंगी। 6th हाउस आपका भी इसी साल के 3rd से 4th क्वार्टर के दरमियान थोड़ा मुतासर हो सकता है। सेहत के हवाले से कुछ हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अभी से कंटिन्यूसली येलो कलर की चीज़ों का सदका देते हैं तो डिजीज़ प्रॉब्लम से सेफ रहेंगे। सूर्य वाकया सूर्य रहमान की तिलावत करना आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। येलो टोपास के साथ अगर आप छोटा सा येलो अकीक भी पहन लेते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत मुबारक होगा। ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बुशरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बुशरा, बताएं क्या पूछना चाहेंगी आप? कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आपकी दुआएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड US में होते हैं और है। 2 साल हो गए शादी को, तो 6 मंथ के बाद वो चले गए थे, तो वो मुझे दोबारा बुलाना चाह रहे हैं। वहाँ से बहुत ट्राई कर रहे हैं,
लेकिन रिजल्ट का हो नहीं पा रहा, तो अब ईद के बाद दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अलीगढ़ से पूछना चाहूंगी कि ये टाइम ठीक है या नेक्स्ट ईयर ट्राई करें, क्यों प्रॉब्लम आ रही है इतनी? ठीक है, अपनी वालदा का नाम बताएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी, वालदा का नाम मैं जमीन, ठीक, और 17th August 1985। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी बुशरा शीज ल्यू शम्स बुजासा से बिलोंग कर रही हैं, हमारी सिस्टर, इनका जोडिक साइन सन, लेकिन इनका वन एंड संडे आपका लकी डे है। लक हाउस आपका अच्छा है, सफ़र के हवाले से गुड न्यूज़ है, इसी साल का थर्ड से फोर्थ क्वार्टर आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा, जो भी पर्सनल विश है आपकी वो पूरी होने जा रही हैं, और कुछ ऐसे काम जिसके लिए आपने हार्ड वर्किंग की थी 2016 में, उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। सितंबर से दिसंबर की टाइमिंग में आपको बड़े माशाल्लाह अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे हेल्पफुल हैंड आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पर एरीज एंड सेक्रेटेरीज से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। रेड चीज़ों का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा, अपने बर्थ स्टोन के साथ येलो टोपास या फिर येलो सफ़ायर के साथ छोटा सा ब्लैक की पहनना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सूर्य वल असर, सूर्य रहमान एंड सूर्य मुजम्मिल की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद और बायस बरकत होगा। ठीक है जनाब, चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब और जानेंगे फायर साइन पर्सनालिटी सेक्रेटेरियस के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। जी सेक्रेटेरियस, जिसे मुश्तरी बुर्ज कॉस कहते हैं, इनका जोडिक साइन जुपिटर, लेकिन इनका सिक्स एंड सैटरडे इनका लकी डे, थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ एजुकेशन, इसके साथ साथ सेवंथ हाउस एंड टेंथ हाउस की पोजीशन जबरदस्त है, वंडरफुल, बहुत लकी रहेंगे। 2017 इनके लिए तालीम के हवाले से बहुत मुबारक रहेगा, पर्सनल विश के हवाले से 2018 का फर्स्ट क्वार्टर, 2018 का शुरुआत ही इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े माशाल्लाह प्रोजेक्ट पे काम कर सकेंगे, बड़ी डील कर सकते हैं, अच्छे लोग इनको सपोर्ट करेंगे, खास तौर पर एरीज एंड लियो से इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। वाइट चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा, फिरोजा इनका बर्थ स्टोन है, अगर इसके साथ छोटा सा यमनी कीक भी पहन लेते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान एंड सूरह मोमिनून की तिलावत करना इनके लिए इंतहाई मुफीद और बायस बरकत होगा। ठीक है जनाब, हमारे पास मैसेज भी है, इनका नाम है फौजिया, इनकी वालदा का नाम है गुफराना, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3rd August 1982, इनके भाई का नाम है यूसुफ, इनकी वालदा का नाम भी सेम है और डेट ऑफ बर्थ है 5th September 1980। एंड शी इज़ सेइंग कि मेरे और मेरे भाई के स्टार के बारे में बता दें, हम दोनों का रिश्ता जहाँ भी होता है वहाँ कुछ ना कुछ बात बिगड़ ही जाती है, आप कोई सोल्यूशन बता दें। जी फौजिया शी इज़ लियो शम्स बुशेस से बिलोंग कर रही है, हमारी सिस्टर, इनका जोडिक साइन सन, लेकिन इनका वन एंड संडे इनका लकी डे है, प्रपोजल इनके अच्छे आ रहे हैं, एंड ऑफ दिस ईयर तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए फौजिया बहुत मुबारक साबित होंगे इंशाल्लाह। रेड चीज़ों का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा, सूरह निसा एंड सूरह यूसुफ की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें, अपने बर्थ स्टोन के साथ येलो सफ़ायर के साथ छोटा सा रेड अकीक पहनना आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। एंड आपके इनके भाई यूसुफ 3rd September हीस वर्गो अतार बुज सुमला से बिलोंग करें, इनका जोडिक साइन मर्करी, इनका भी टाइमिंग इंशाल्लाह सेम आपका जो टाइम है अच्छा स्टार्ट हो रहा है, दोनों बहन भाइयों का अक्टूबर सितंबर से दिसंबर की टाइमिंग दोनों के लिए अच्छी साबित होंगी। ये भी येलो सफ़ायर इनका बर्थ स्टोन बनता है, इसके साथ ये छोटा सा रूबी अगर पहन लेते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मुबारक रहेगा। रेड चीज़ों का सदका देना आपके भाई के लिए भी बहुत मुबारक रहेगा, ये भी अगर कंटिन्यूसली सूरह यूसुफ एंड सूरह रहमान की तिलावत करते हैं तो इनके कामों में अल्लाह ताला की तरफ से और ज़्यादा आसानी पैदा होगी। ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मोहम्मद शुएब साहब बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी एक और कॉलर इस्लामाबाद से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं अपने सिस्टर के हवाले से पूछना चाहूँगा। हाँ पूछे। मुनज़्ज़ा नाम है। मुनज़्ज़ा नाम है आपकी सिस्टर का और उनकी वालदा का नाम? वालदा का नाम सुरैया बानो। सुरैया बानो ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 28th March 1988। ठीक है जी। और आपका सवाल? मेरा सवाल रिश्तों के हवाले से है, रिश्तों की काफी प्रॉब्लम हुई हुई है, तो अली भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि इस साल सिस्टर की मतलब कोई एक्सपेक्टेशन है शादी के या नेक्स्ट ईयर, क्योंकि रिश्ते आते तो हैं लेकिन कहीं पे कोई बात फाइनल नहीं हो पाती। मंगनी भी हुई थी एक दफा खाला के बेटे के साथ लेकिन वहाँ पे भी काफी बात खराब हो गई है, तो उस वजह से रिश्ते इस वजह से भी आते आते चले जाते हैं, खत्म हो जाती है, बात बन नहीं पा रही। तो अली भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि अली भाई इस साल देख रहे हैं या नेक्स्ट साल देख रहे हैं शादी होते हुए? ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी
28 मार्च, शी इज एरीज, मुरीज जिसे बुर्ज अमल कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स लकी नंबर 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे है, सेवंथ हाउस इनका इस वक्त थोड़ा वीक है, वेट करना होगा 2017 का मिड या फिर 2017 का थर्ड क्वार्टर, जून से सितंबर की टाइमिंग आपकी सिस्टर के लिए इंशाल्लाह अच्छी बन रही है, 2018 में 100% इंशाल्लाह इनकी अच्छी जगह निस्बत एंगेजमेंट तय हो जाएगी, वो स्टार जो इनको रास आ सकते हैं जिनके साथ इनका स्टार मैच कर रहा है उसमें लियोज एंड सेक्रेटरीज, ये पर्सनैलिटीज़ इनके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा, अपना बर्थ स्टोन वेयर करना कर सकती हैं रूबी, इसके साथ छोटा सा ब्लैक हकीक पहनना इनके लिए बहुत मुबारक साबित होगा, सूरह नूर एंड सूरह यूसुफ की तिलावत करना मुनज़्ज़ा के लिए बहुत मुफीद और बायस बरकत होगा। ठीक है जी, अब जानते हैं अर्थ साइन पर्सनालिटी कैप्रिकॉन के हवाले से कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा। कैप्रिकॉन जिसे हम जोहर बुरजद्दी कहते हैं, इनका जोडिक साइन सैटर्न, लेकिन इनका सिक्स एंड सैटर्न इनका लकी डे है, लक हाउस थर्ड एंड नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, ये साल इनको कोई पॉपुलरिटी ऑनर इज्जत दिलवा सकता है, एंड ऑफ दिस ईयर तक काफ़ी इनकी पर्सनल विश पूरी हो जाएंगी, एजुकेशन के हवाले से जो भी इन्होंने कुछ प्लान कर रखा है वो उसमें इनको कामयाबी मिल रही है, बल्कि 2018 का मिड तक इनको तालीम के हवाले से ये टाइमिंग इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगी, लक हाउस इनका बहुत अच्छा है, कुछ अच्छे दोस्त इनको सपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर पर वर्गो एंड टॉरस से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ब्लैक चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा, अपने बर्थ स्टोन के साथ ब्लैक हकीक पहन सकते हैं, बर्थ स्टोन इनका है ब्लू सफायर जिसे नीलम कहते हैं। अभी आपने बताया कि इनको सदका देना चाहिए काले रंग का, तो इनके सितारे पर क्या फ़र्क पड़ेगा इस रंग से? इनको सदका हर किस्म की नज़र बंदिश से सेफ रखेगा, इनके प्लैनेट के कलर के हिसाब से डेफिनेटली इनके प्लैनेट का कलर ब्लैक है और इसका बर्थ स्टोन का ब्लू सफायर बनता है, तो स्पेसिफिकली अगर ये ब्लैक हकीक भी अपने बर्थ स्टोन साथ ऐड करते हैं तो जो भी इनको कुछ इनकी खुशियों और कामयाबियों को कोई बैड आइज प्रॉब्लम की वजह से नजर लग सकती है या कोई डिजीज प्रॉब्लम इनको हो सकती है तो उस वक्त इनको ब्लैक हकीक बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है जनाब, इसी के साथ वक्त खत्म हुआ जाता है हमारे शो का, वो लोग जो इनसे इन पर्सन मिलना चाहते हैं, वो सवाल करना चाहते हैं कि जो आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू कंफर्टेबल नहीं है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को यूटिलाइज करें, शो का वक्त खत्म हो ही चुका है तो इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको हर प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और हमें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।